एवरीवन, माय नेम इज़ पविता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी डिपार्टमेंट एट आरपीआई आईटी कैंपस बस्ताड़ा करनाल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीआई आईटी एकेडमिक्स। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सेव द कंटेंट। लेट्स टॉक टुडे सिस्टम प्रोग्राम्स। It is a computer software designed to provide service to other software. It provides application programming environment on the top of the hardware. Example program, loader, editor, etc. System program हमारा क्या होता है? System software होता है जो design करता है, provide करता है services को और अदर सॉफ्टवेयर को, और ये प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को जो हमारा टॉप में होता है हार्डवेयर। एग्जाम्पल प्रोग्राम हो गया लोडर, एडिटर, एक्सेट्रा। सिस्टम प्रोग्राम कैटेगरीज, फाइल मैनेजमेंट, स्टेटस इन्फॉर्मेशन, फाइल मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कम्युनिकेशन। ये हमारी क्या कैटेगरीज है हमारे सिस्टम प्रोग्राम की। फाइल मैनेजमेंट, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, रीनेम, प्रिंट एक्सेट्रा। इसमें हम क्या कर सकते हैं? फाइल मैनेजमेंट में क्रिएट कर सकते हैं न्यू फाइल्स को, डिलीट कर सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट डिफाइन टू सपोर्ट फाइल, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड एंड डायरेक्टरीज, स्टोरेज एरिया इन सेकेंडरी स्टोरेज वॉल्यूम। स्टेटस इन्फॉर्मेशन, इट कवर द डेट, टाइम, डिस्क स्पेस, अवेलेबल मेमोरी एंड नंबर ऑफ यूजर्स। स्टेटस इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करता है, जो कवर करता है हमारे डेट को, टाइम को, डिस्क स्पेस को और मेमोरी को जो अवेलेबल होती है हमारे नंबर ऑफ यूजर्स। फाइल मॉडिफिकेशन, टेक्स्ट एडिटर आर यूज्ड फॉर फाइल मॉडिफिकेशन, हेयर न्यू फाइल में बी क्रिएटेड और कंटेंट ऑफ द फाइल में बी मॉडिफाइड। फाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम एडिट करते हैं, यूज करते हैं इसमें फाइल मॉडिफिकेशन में। और क्या कर सकते हैं? हमें न्यू फाइल को हमने क्रिएट करना है, कंटेंट होते हैं जो फाइल में उन्हें हमें मॉडिफाई करना है, ये हमारा होता है फाइल मॉडिफिकेशन में। एग्जीक्यूशन, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन द मैकेनिज्म मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम हैज़ टू बी ब्रॉट इन टू द मेमरी फ्रॉम द डिस्क एंड देन लोडेड एट द स्टेबल लोकेशन। दिस इज डन बाय अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड लोडर। एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं? हमारा प्रोग्राम जो हमारे टाइम में एग्जीक्यूशन में हमारा प्रोग्राम होता है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो कहाँ पर होता है? हमारे मेमरी में, फ्रॉम डिस्क एंड देन लोडेड इन द स्टेबल लोकेशन। ठीक, देन उसके बाद हम क्या करते हैं? इसका ये एक सॉफ्टवेयर कोड में डिफाइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लोडर। कम्युनिकेशन, इट अलाउज यूजर टू सेंड ईमेल, मैसेज, ब्राउजर, वेब पेज एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन हमारा क्या करता है? अलाउ करता है हमारे यूजर्स को ईमेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ब्राउजर और वेब पेजेस में एक्सेट्रा। प्रोसेस मैनेजमेंट, अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, अ प्रोसेस इज एक्टिव एंटिटी, अ प्रोसेस नीड सर्टेन रिसोर्स इंक्लूडिंग सीपीयू टाइम, मेमोरी, फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस टू अकम्प्लीश इट्स टास्क। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करता है? एक प्रोग्राम है, ये एग्जीक्यूशन करता है हमारे प्रोग्राम के प्रोसेस की, जो एक्टिव होते हैं हमारे एंटिटी को डिफाइन करता है और जो नीडेड होते हैं हमारे सर्टेन रिसोर्स होते हैं उन्हें इंक्लूड करता है सीपीयू टाइम में, और क्या करता है? फाइल में जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन्हें अकम्प्लीश करता है टास्क रूम में। इनिशलाइज करता है डाटा को हमारे जो पास होता है हमारे एग्जीक्यूशन और प्रोसेस टाइम में। इनिशियलाइजेशन डाटा इज आल्सो पास्ड इन फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। अ प्रोग्राम कैन हैव मेनी प्रोसेस एज इट रन। सिस्टम प्रोसेस एग्जीक्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम कोड, वेयर यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट यूजर कोड। मीन मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड और बाइट्स, ईच विद द ओन एड्रेस। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीप एक्सेसिबल डाटा शेयर्ड बाय द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेन मेमोरी इज वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस, इट लूज इट्स कंटेंट इन द केस ऑफ सिस्टम फेलियर। द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इंप्लीमेंटेड विया DMA ऑल्सो रीड एंड राइट इन मेमरी। मेन मेमरी इज फ्रिक्वेंटली एड्रेस्ड बाई CPU फॉर असेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम मेमरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डिफरेंट मेमरी मैनेजमेंट टेक्निक आर यूज टू कीप सेवरल प्रोग्राम इन मेमरी फॉर इम्प्रूविंग CPU यूटिलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टाइम। अप्रोप्रिएट मेमरी मैनेजमेंट स्कीम इज यूज फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिजाइन ऑफ सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन विद मेमरी मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज कीप ट्रैक विच पार्ट ऑफ मेमरी आर करंटली बींग यूज बाई decide within which process to be loaded when memory space become available. Allocate and deallocate memory space as needed. ये हमारा मेमरी मैनेजमेंट डिफाइन करता है, जो लार्ज नंबर ऑफ एरे होते हैं वर्ड और बाइट में डिफाइन करता है, और जो हमारा ईच जो मेमरी है उसके एड्रेस को डिफाइन करेगा, और क्या करता है? ये मेमरी के वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है उसको क्या करता है? कंटेन करता है केस ऑफ सिस्टम फेलियर में, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है जो हमारे इंप्लीमेंट करता है DMA में, जिसमें रीड एंड राइट लोकेशन में डिफाइन करता है। मेन मेमरी में फ्रिक्वेंटली एड्रेस को CPU के द्वारा असेस करता है, और इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? डाटा फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो डिफरेंट मेमरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है हमारी यूज़ करता है उन्हें यूजिंग बाय सेवरल प्रोग्राम, और इंप्रूव करता है CPU यूटिलाइजेशन को एंड डिस्पोज टाइम में। फाइल मैनेजमेंट, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ
related information defined by its creator. Commonly, files represent program, both source and object forms and data. Computer can store files on HDFD, MD, OD or magnetic tape drum. Each media has its own characteristic device, control and properties such as access speed, capacity, data transfer rate and access method, random or sequentially. Operating system map file logical storage unit onto physical media and access them. These files were the storage device. Operating system manage the mass storage media and the device that control them and provide protection to files multi-user environment. The operating system is responsible for following activities in connections with file management. Our operating system responsible hai kon kon se connection activities ke liye. First one hai file creation and deletion ke liye, directories creation and deletion ke liye, support karta hai primitive manipulating files ko, directories ko, mapping karta hai files ki secondary storage mein, aur file backup ko kya karta hai, staple karta hai non-volatile storage media. Input output system management. Operating system hide the specific hardware input or device from the user. The input output system consists of memory management component that include buffering, caching and pooling. A general device drive interfaces drive from specific hardware device. The device drive on the interpreter handling the device driver and used in the construction of efficient input output subsystem. The input output subsystem interface through other system component, manage device, transfer data and detect input output completions.